अगर टॉल्स ना होते, आपने टॉल्स पे गाड़ियों की लंबी लंबी लाइंस तो देखी होंगी ना, और उनमें से अधिकांश कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं डीजल का धुआं उड़ाते हुए। सोचो अगर ये टॉल्स ना होते तो कितना टाइम मनी और फ्यूल सेव होता, और एयर पोल्यूशन भी तो कम होता ना, क्योंकि ये गाड़ियां घंटों घंटों लाइन में खड़ी रहती हैं। एयर पोल्यूशन बढ़ने पे प्राइवेट गाड़ियों पे तो बैल लगा दिया जाता है, ऑडी भी लगा देते हैं, जबकि प्राइवेट कार आदमी मेंटेन करके रखता है, और कमर्शियल गाड़ियां धुआं उड़ाती घूमती है मजे से। और रहा सवाल टोल टैक्स का, तो गवर्नमेंट एक बार में सारा रोड टैक्स ले लेना गाड़ी खरीदते समय। आखिर 4% लोगों के इनकम टैक्स से पूरा देश चलता है ना, तो रोड टैक्स से पूरी रोड का विकास नहीं हो सकता। वैसे तो हमारा अखंड भारत है, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में टोल देना पड़ता है। ये कौन सी राजशाही है? ऐसा तो राजाओं के जमाने में होता था, जब हर प्रदेश के अलग अलग राजा होते थे। मैं यूपी में जन्मा पला बड़ा, लेकिन एक बार दिल्ली से यूपी गाड़ी लेकर जा रहा था तो टोल पे मेरे से पूछा गया, कितने दिन रहोगे? उतने दिन का टोल देना पड़ेगा। धन हो हमारी मातृभूमि, जहां अंग्रेजों के जमाने के कानून अभी भी चल रहे हैं। अगर सड़कों के विकास के लिए पैसा चाहिए तो और 100 तरह के टैक्स है ना उसके लिए। ये सड़कों पर इतनी लंबी लंबी लाइन लगवाकर लोगों का टाइम वेस्ट करके हजारों लीटर ईंधन फूंककर एयर पोल्यूशन बढ़ाने की क्या जरूरत? काश ये सारे टोल हट जाते और हम बाधा मुक्त होकर देश में कहीं से कहीं जा सकते सीमलेसली। अगर ऐसा होता